गाइस, तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 5। पिछली वीडियो में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए जा करके, जिससे क्या हो आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर जितने भी आगे हैं वो क्वेश्चन आपको समझ में आए। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक्सरसाइज 9.5 ये कौन से डिफरेंशियल हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन से हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास और हमने आपसे को बताया था कि dy / dx के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पे इसके पास क्या है, x2, तो तुरंत उधर भगा दो इसको, ठीक है। तो यहां पे जब होमोजीनियस से हम लोग सॉल्व करते हैं, या भगाना चाहिए या यहीं पे रखिए dy / dx। अगर x2 को भगाओगे तो यहां पे आ गया x2 -2y2 +xy अपॉन में कितना आ गया, x2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो x कहां पे आ गया, अपॉन में आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई, क्लियर है। अब क्या करेंगे, जहां जहां पे y दिख रहा है, हमें जहां जहां पे y दिख रहा है क्या रखते हैं वहां पे हम लोग y इज इक्वल टू, वहां रखते हैं y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। y बराबर क्या रखते हैं, v इंटू एक्स, क्योंकि हम लोग कौन सा डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो y बराबर जब v इंटू एक्स होता है तो हम लोग इसका डिफरेंशिएट करते थे, तो डिफरेंशिएट करके क्या आता था, ये dy / dx। पिछली वीडियो देखिए जाकर के आप जरूर, अगर नहीं देखे इससे पहले तभी ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। dy / dx v प्लस एक्स dv / क्या होता था, यहां पे dx होता था। बोलो ये बात समझ भाई। अब यहां पे क्या, जहां जहां y दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे, v इंटू एक्स रखेंगे। तो ये हो जाएगा dy / dx, dy / dx x2 ऐसे रखेंगे -2 y की जगह पे क्या रखेंगे, बोलो v इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस x इंटू y की जगह पे क्या रखेंगे, v इंटू एक्स अपॉन में, बोलो कितना है, x2। ये बात समझ में आई, y बराबर जहां 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 y दिख रहा वहां पे v into x हमने पुट किया। बोलो अब ये dy / dx क्या होता है, v plus x dv / dx होता है। रखिए यहां पे dy / dx की जगह पे, dy / dx की जगह पे क्या रखेंगे, v plus x dv / dx बराबर, इसको सॉल्व करिए, x2 माइनस का 2, इसके जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर और ये x2 हो जाएगा, प्लस जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो गुणा होने में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो x2 इंटू वी अपॉन में कितना है, बोलो x2। क्या ऊपर आपको x2 कॉमन नहीं दिख रहा है, बोलो x dv अपॉन में कितना है, dx। जब x2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 - 2v2, देखिए x2 कॉमन लिया, 1 - 2v2 और प्लस यहाँ पे कितना बचा, v अपॉन में कितना है, बोलो x2। तो x2 कैंसिल हो गया, बात समझ में कि नहीं, बोलो लिखिए यहां पे कितना लिखेंगे, बोलो v प्लस एक्स dv अपॉन में dx 1 - 2v2 प्लस कितना बचेगा, v 1 - 2v2 प्लस कितना बचेगा, v। अब देखिए क्या v v भी नहीं कैंसिल हो गया, बोथ साइड में साइन इक्वल है, तो v v भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये बचा x dv अपॉन में dx, यहां पे 1 - 2v2। बोलो अब हमने क्या कहा था, फंक्शन को सेपरेट कर लेंगे। फंक्शन को सेपरेट करने का मतलब क्या है, x वाला x के पास जाएगा फंक्शन, v वाला फंक्शन v के पास जाता है। तो देखिए यहां पे dv अपॉन क्या आ जाएगा, 1 - 2v2। देखिए v वाला फंक्शन v पास चला गया, क्या बचा, dx इधर ले जाइए, तो ये हो गया dx अपॉन में कितना आ गया, x। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dx अपॉन में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा देंगे। तो जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये dv अपॉन में 1 - 2v2 बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन में x, यहां पे लिख लीजिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, बात समझ में आई। अब देखिए समाकलन करेंगे तो यहां पे v2 है, यहां पे v2 है, अगर यहां पे 2 ना होता तो यहां पे क्या हो जाएगा, a2 - x2 की कंडीशन बन जाएगी। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन dx अपॉन में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/2a, यहाँ पे log mod a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला बताया गया था। बोलिए यहाँ पे dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। देखिए अगर आपने इंटीग्रेशन पहले इससे नहीं देखा है तो पहले इंटीग्रेशन की सारी वीडियो देखिए, तभी जाकर के आप ये आपको चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर सिंपल है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर, वी क्या है वेरिएबल है ना, तो वी की जगह पे क्या ये 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 से क्या 2 बाहर ले लीजिए। जब अगर यहाँ पे 1/2 बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ये डीवी अपॉन में क्या ये 1/2 ब्रेकर लगाइए माइनस का वी स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते। बोलिए डी एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, देखिए जब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, देखिए 1/2 हो गया कैसे, देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे 1/2, बात समझ में आ रही, जब मल्टीप्लाई करोगे 2, देखिए न्यूमिरेटर में ये है, ये क्या है न्यूमिरेटर में, या एक काम करते हैं देखिए ऐसे हम आपको बता देते हैं, ये इंटीग्रेशन था, ये जब 2 यहाँ से बाहर लेंगे तो 2 यहीं पे तो बाहर लिया जाएगा, देखो 2 इंटू में है, जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे 2 1 2 2 से 2 कैंसिल तो 2 वी स्क्वायर, अपनी कंडीशन में क्वेश्चन आ जाएगा, बात समझ में। इसीलिए क्या किया था 1/2 हमने ये बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट टर्म इंटीग्रेशन में। अब ये 1/2 है क्या, जो ये 1/2 है इसको 1/√2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, बोलो स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी क्या हो जाएगा सिंपल बन जाएगा। तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर, अब कहोगे सर ये क्यों किया आपने, ये इसलिए किया गया क्योंकि हमें कंडीशन बनानी है, कौन सी कंडीशन, इधर देखिए आप कंडीशन कौन सी बनानी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे, बात समझ में यहाँ तक, बोलो क्लियर है। अब क्या करिए इसको सॉल्व करिए, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा ध्यान से देखिएगा, 1/2 ऑलरेडी आप ऐसे रखिए, 1/2a, तो 1/2 a की जगह पे क्या है 1/√2 दिख रहा है, यहां पे ब्रैकेट में log mod a प्लस एक्स, a की जगह पे क्या है √2 प्लस वी अपॉन में √2 माइनस वी, बोलो बात समझ में, log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस, a की जगह पे 1/√2 है, x की जगह पे v है, बात समझ में, और बराबर कितना है log mod x, इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन करने पे log mod x प्लस c, जहां c क्या है समाकलन नियतांक है। अब एक चीज बताएं 2/√2 लिखा है, इधर देखिए 2/√2 लिखा है, क्या इसको हम √2 नहीं लिखते हैं, कैसे आंसर में गुणा करा के, तो ये 2/√2 पिछली वीडियो में भी कई बार आपको हम बता चुके हैं, 2/√2 जो लिखा है तो क्या लिख सकते हैं √2, तो ये क्या ये नहीं निकल आएगा, देखो 1/ ये क्या हो जाएगा √2 और ये 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 2√2 हो गया, बोलो बात समझ में, यहाँ पे कितना है बराबर, यहाँ पे कितना है log, इसको सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर 1 प्लस √2b अपॉन में 1 माइनस √2b, ये क्यों किया गया क्योंकि एलसीएम सेम है, देखिए 2 √2 √2, जब एलसीएम यहां पे ले लोगे √2 √2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना है log mod x प्लस कितना है c, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। अब यहां पे क्या करें, जहां पे आपको v दिख रहा है, जहां पे क्या दिख रहा है v दिख रहा है, तो क्या यहां पे क्योंकि फंक्शन क्या था x और y के टर्म्स में था, तो v बराबर यहां पे क्या है v के टर्म्स में है, तो v होना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे तुरंत v को कन्वर्ट कर लेंगे, तो v का जब यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या ये y अपॉन में x नहीं हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा y अपॉन में x हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो पहले क्लियर है यहां तक, तो आप सॉल्व कर लीजिए आगे, तो यह आ जाएगा 1/√2 यहां पे log 1 प्लस √2 v, v की जगह पे y अपॉन में x, यहां पे 1 माइनस √2 y अपॉन में x बराबर कितना है log mod x प्लस c, क्लियर है यहां तक। अब सॉल्व करिए 1/√2 यहां पे log, इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो x √2y आएगा, बोलो x एलसीएम ले लेंगे यहां पे कुछ नहीं तो वनी तो करोगे इसके अपॉन में, यहां पे कितना हो जाएगा x -√2y, क्योंकि जब x यहां पे लोगे तो एलसीएम ये वाला x एलसीएम मिल जाएगा, तो एलसीएम एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे log mod x plus c, यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, चेक करिए क्या आंसर ये आ रहा है, आंसर आपका आना चाहिए 1/√2 log x plus √2y
रूट टू वाई अपॉन में एक्स माइनस रूट टू वाई बराबर लॉग एक्स प्लस सी, यही क्या आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड थी। बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या है डी एक्स है। बात समझ में? देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या स्टेप अपनाते हैं, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप कर लीजिएगा ठीक है। देखिए dx जहां पे दिख रहा है उनको एक पास ले जाइए, मतलब ये देखिए dx यहां पे dx यहां पे, तो दो dx एक पास हो नहीं सकते हैं, तो क्या करें, एक dx यहां ले जाए तो dx क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, यही से सेंस लगाइए। तो ये x dy बराबर, ये माइनस का पार्ट उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, y dx प्लस, ये भी तो प्लस का है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये dx, बोलो ये माइनस का पार्ट है तो उधर जाएगा क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब देखिए dx और dx के कॉमन नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, तो x dy अपॉन में यहां पे कितना है dx कॉमन ले लिया, तो ये y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया कि नहीं, बोलो किस फॉर्म में लिखना होता है, dy अपॉन में dx के फॉर्म में लिखना होता है, तो यहां पे लिखिए dy अपॉन में dx, यहां पे क्या है x, यहां पे कितना है बोलो y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना है y स्क्वायर। बात समझ में? यहां पे अब क्या करिए, x भी वहां पे मतलब x वाले क्या करेंगे फंक्शन, x इसको अपॉन में ले जाइए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना है x आ गया, ये अपॉन में क्या लिया है x लिया है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है, हमने आपसे क्या बताया था कि जहां पे ये फंक्शन दिखे तो y बराबर क्या रखते हैं b इंटू एक्स, और जब इसका डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो क्या निकल के आता है बोलो dy अपॉन में dx, यहां पे v x dv अपॉन में क्या निकला dx निकला, बोलो। तो जहां पे dy अपॉन में dx दिख रहा है क्या ये फंक्शन नहीं रख सकते हैं? बोलो, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा होमोजीनियस, तो यहां पे रखिए v x dv अपॉन में dx, y जहां जहां दिख रहा है क्या रखेंगे v इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे स्क्वायर है तो यहां पे एक्स स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलो अपॉन में कितना है x, देखिए y बराबर क्या रखा v इंटू एक्स, तो यहां पे पुट कर दिया हमने, तो v प्लस एक्स dv अपॉन में dx। अब देखिए यहां पे v x, यहां पे x स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर, जब x स्क्वायर अंडर रूट से हम बाहर लेते हैं, देखिए कहीं पे अंडर रूट लिखा हो जैसे x स्क्वायर तो सिंपल x हो जाएगा ना, तो जब अंडर रूट से बाहर लेंगे x तो यहां पे सिंपल x बचेगा, तो यहां पे क्या 1 प्लस v स्क्वायर नहीं बचेगा, देखिए यहां पे 1 बचेगा क्योंकि अंडर रूट से बाहर x स्क्वायर को ले रहे हैं, तो सिंपल ये x हो गया, जब अंडर ले जाओगे जैसे लिखा है, अब जैसे x लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं, तो देखिए यहां पे अपॉन में कितना है x। अब देखिए x कॉमन लो या यहीं पे आप कैंसिल कर दो, बात तो एक ही है, कॉमन लेके कट करोगे तब भी वही बात है, क्या आ जाएगा हमारे पास बोलो v x dv अपॉन में कितना है dx है, प्लस v प्लस अंडर रूट 1 प्लस कितना बचा हमारे पास v स्क्वायर, ये देखो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, ये देखिए प्लस और प्लस बोथ साइड में v है, क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास x dv अपॉन में dx बराबर अंडर रूट 1 प्लस कितना हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या कहा फंक्शन को सेपरेट करना, अलग अलग करना, मतलब v वाले फंक्शन देखिए v के पास जाएंगे अंडर रूट 1 प्लस कितना हो जाएगा v स्क्वायर, x वाला फंक्शन x पास जाएगा dx अपॉन में कितना हो जाएगा x, देखिए dx अपॉन में x चला जाएगा ना, क्योंकि x क्या है इनटू में है, इतनी बात समझ आई। अब क्या करेंगे हम लोग यहां पे इंटीग्रेशन करा देंगे, तो जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये हो गया dv अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन में x। अब ये क्या कंडीशन आपको पिछला कुछ याद आ रहा है आपको, हमने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगर दिख रहा है तो फॉर्मूला होता है log mod x प्लस अंडर रूट x या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बोलो होता है कि नहीं, हमने बताया था dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो log mod में x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस x स्क्वायर होता है, तो यहां पे देखिए 1 है, यहां पे क्या है 1,
तो क्या यहाँ पे 1 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? कंडीशन बन गई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में बताया गया था, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह पे बोलो क्या है वी, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की जगह पे 1 का स्क्वायर रहेगा, वी एक्स स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहां तक? और हमने आपको एक चीज और बताया था यहां पे, क्या बताई थी वो चीज ध्यान से देखिए कि जहां सी लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग सी भी लिख सकते हैं। बोलो क्या लिख सकते हैं? लॉग मॉड सी भी लिख सकते हैं, बताया गया था ना, क्योंकि लॉग के फॉर्म में बनाना है इसे, क्योंकि लॉग यहां पे हटाना भी पड़ेगा। अभी देखिए कैसे हटता है। एक चीज और बताएं यहां पे, क्या v की जगह पे जहां v भी दिख रहा है यहां पे क्या हम y अपॉन x नहीं रख सकते हैं? कैसे? ये देखिए, क्योंकि y बराबर क्या था? v इंटू x था। अगर v बराबर निकालेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा? y अपॉन में कितना आ जाएगा? x, जैसे पिछले वीडियो में करते आ रहे हैं। log v की जगह पे रखिए, y अपॉन में कितना रखा? x, अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है तो यहां पे क्या हो जाएंगे? स्क्वायर हो जाएंगे। तो log, ये क्या थ्योरम नहीं बन गई? किसकी थ्योरम? log m इंटू n की। आपको हमने बताया था कि log m इंटू थ्योरम जो होती है, log m प्लस log क्या हो जाता है? n हो जाता है। बताई गई थी थ्योरम, इंटू में है तो क्या हो जाता है? प्लस। तो देखिए प्लस में है तो क्या हो जाएगा? m इंटू n मतलब x इंटू सी लिख सकते हैं। बोलो, ब्रैकेट में कर दो या मॉड में कर दो, डजंट मैटर। एक चीज बताएं यहां पे, ठीक, ये हो गया हमारे पास। मॉड में करना हो तो आप मॉड में भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। log x इंटू सी, अब यहां पे देखिए log log क्या हो जाएगा? कंपेयर यहां पे हम करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? log का कंपेयर करा सकते हैं। कंपेयर बाद में कराइए, पहले यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ये log दे रखा है, इसको बाहर इसको सॉल्व कर लो, तो ये y अपॉन में x, यहां पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में सिंपल x बचे, क्यों? क्योंकि टोटल अंडर रूट रखा है, जब अंडर रूट से स्क्वायर को बाहर लेते हैं तो सिंपल बचता है, बराबर log mod कितना है? x इंटू सी, या सिंपल में लिख लें ऐसे, कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों एक ही चीज हो जाएंगे। बात समझ में आई यहां तक कि नहीं? बोलो क्लियर है? तो आगे अब हम चले सॉल्व करें इसको। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इक्वेशन ये निकल के आएगी। अब देखिए log और log यहां पे हटा सकते हैं कैसे? एक हमने आपको और थ्योरम बताई थी कि log m बराबर अगर log n है तो क्या करते हैं? m बराबर n लिखते हैं कि नहीं? बोलो m बराबर क्या लिखते हैं? n लिखते हैं। तो m की जगह पे ये है, n की जगह पे x ही है, तो लिखो यहां पे क्या हो जाएगा? y अपॉन में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x बराबर कितना है? सी एक्स। देख क्या रखा है? सी एक्स या एक्स सी, क्या इसमें एलसीएम एक्स नहीं मिल रहा है? देखो y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एलसीएम मिल गया x बराबर सी एक्स। अब x का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है? y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या सी एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बोलो यही क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अच्छा क्वेश्चन आपका है, एग्जाम के रिलेवेंट से आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कर लीजिए? इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में भारी लग रहा है लेकिन क्या है, कैलकुलेशन बहुत ही इजी आएगा इसका। कैलकुलेशन क्या है? इजी। देखिए x cos y upon x plus y sin y upon x ब्रैकेट बंद y dx, यहां पे y sin y upon x minus x cos y upon x ब्रैकेट बंद x और dy। अब क्या करेंगे ऐसे फंक्शन को हम पहले किस फॉर्म में लिखते हैं? dy upon में dx लिखते हैं। तो यहां पे क्या करिए, dy upon में dx लिख सकते हैं। बोलो कैसे? dy ऑलरेडी दिख रहा है आपको, अपॉन में कितना है, सॉरी dx दिख रहा है हमको, अपॉन में क्या आ जाएगा? dy। अपॉन में कितना जाएगा? dy, लेकिन लिखना किस फॉर्म में है? dy अपॉन में dx फॉर्म में लिखना है। तो ये dy है, ठीक है, यहां पे क्या dx, तो dx को यहां पे ले जाइए और ये वाला फंक्शन अपॉन में आ जाएगा। ये वाला फंक्शन कहां आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। तो लिख लीजिए इसको, कैसे करेंगे? x cos y अपॉन में x प्लस y sin y अपॉन x, यहां पे y बराबर अपॉन में कितना आ जाएगा? पहले अपॉन में ले लीजिए, बाद में बराबर लगाते हैं। ये y हमारे पास है, अपॉन में ले लीजिए, यहां पे कितना है? y sin y अपॉन में x माइनस x cos y अपॉन में x, ब्रैकेट बंद कीजिए, यहां पे x और ये dy ऑलरेडी है, अपॉन यहां पे अपॉन में कितना आ जाएगा? dx। तो ये dy अपॉन में हमने क्या लिख लिया? dx।
ये बात समझ में आई कि नहीं बोलो। देखो हमने क्या किया, इस पार्ट को इधर ले गए, बात समझ में आई, और ये वाला पार्ट को इधर ले गए और ये dx क्या ले गए, अपॉन में ले, क्योंकि dy अपॉन में dx कंडीशन होती है। अब बताइए जहां जहां पे y दिख रहा है क्या v इंटू x नहीं रखेंगे, और जहां पे dy अपॉन में dx दिख रहा है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, वी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करने पे ही आता है। हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में ये दो आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से देखिए आप। जहां जहां वाई अपॉन एक्स रखा है क्या रखेंगे, देखो एक्स कॉस, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, वाई अपॉन एक्स जब निकालेंगे तो वी बराबर वाई अपॉन एक्स आ जाएगा कि नहीं बोलो, एक्स अपॉन में ले जाइए। तो यहां पे हमने क्या रखा, वी प्लस वाई, जहां जहां वाई दिख रहा है वाई की जगह पे क्या रखेंगे, वी इंटू एक्स, यहां पे कितना है साइन, इसकी जगह पे वाई अपॉन एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, वी अपॉन में, अपॉन में बोलो क्या है, अपॉन में कितना है वाई, वाई की जगह पे क्या रखेंगे, वी इंटू एक्स, यहां पे क्या है साइन, वी बोलो माइनस एक्स, तो एक्स ऑलरेडी ऐसे रखेंगे, कॉस इसकी जगह पे क्या रखेंगे, वी। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, बराबर यहाँ पे कितना है बोलो, यहाँ पे कितना है वाई अपॉन एक्स, देखिए जो ये वाई अपॉन एक्स बन रहा है तो वाई अपॉन एक्स की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे बोलो, यहाँ पे वी रख देंगे, बराबर कितना है बोलो, बराबर कितना है डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो क्या डी वाई अपॉन में डी एक्स की जगह पे वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स नहीं रख सकते हैं, बोलो इस बात से एग्री है कि नहीं, वैल्यू हमने इसका पुट किया, क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज यहां पे बताएं, ये प्लस का वी है तो क्या इधर माइनस में वी नहीं आ जाएगा, ले आओ इधर, तो यहां पे क्या है एक्स कॉस वी प्लस वी, क्या एक काम करें, कुछ कॉमन भी दिख रहा है इसमें, एक्स एक्स कॉमन दिख जाएगा यहां पे, देखो ये एक्स कॉमन दिख रहा है, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कॉमन दिख रहा है, जब कॉमन लेंगे तो कॉमन पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहां पे कैंसिल कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, आप कॉमन लोगे फिर एक लाइन बढ़ा के लिखना, तो यहां पे क्या आ जाएगा cos v प्लस यहां पे v sin v अपॉन यहां पे v sin v माइनस कितना है cos v। अभी बताओ ये प्लस और ये v ऑलरेडी है, तो ये v है तो ये v को क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा v और यहां पे क्या हो जाएगा v square, या अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको क्या करें हम v को आप ऐसे रहने दीजिए, इंटू में v बराबर कितना है बोलो v, तो ये v प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का भी हो जाएगा, ये प्लस का भी माइनस में हो जाएगा, तो x dv अपॉन में कितना है बोलो dx, बात समझिए, प्लस का भी है तो इधर आ गया माइनस में हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई यहां पे होगा कि नहीं बोलो, यहां पे कुछ नहीं तो वन है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बोलो, देखिए थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब इसका मल्टीप्लाई पहले लिखो, इसका पहले मल्टीप्लाई यहां पर करो वी कॉस वी, वी कॉस वी, फिर वी का मल्टीप्लाई करो प्लस v स्क्वायर साइन v, बात समझ में, v का मल्टीप्लाई ये किया, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे v और v, v भी क्या हो जाएगा v स्क्वायर साइन v, माइनस का है तो माइनस v स्क्वायर साइन v। अब देखिए माइनस का जब मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ये ध्यान से देखिए ये माइनस का है, अब ये जब माइनस v पहले करोगे तो पहले इसमें किया फिर इसका v में करोगे तो v cos v होगा, तो माइनस है तो माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे लिखिए प्लस v और कितना हो जाएगा cos v, v cos v अपॉन में कितना एलसीएम जो आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है v sin v, v sin v माइनस कितना है cos v, बराबर कितना दे रखा है बोलो x dv अपॉन में dx, कुछ कट रहा है क्या, v स्क्वायर साइन v प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे बोलो। अब v cos v, v cos v कितना हो जाएगा 2v cos v अपॉन में v साइन v माइनस का cos v, तो यहां पे x dv अपॉन में कितना आ गया dx। अब हमने क्या बताया था आपसे कि v वाले फंक्शन v के पास ले जाएंगे, x वाले फंक्शन x के पास ले जाएंगे, फंक्शन को सेपरेट करिए, तो dv है तो ये dv इधर लिखेंगे तो ये अपॉन में जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो यहां पे dv लिखिए, यहां पे dv इसको वहां पे ले जाइए तो क्या लिखेंगे v sin v माइनस cos v अपॉन में, ये वहां गया तो ये इसके नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2v cos v बराबर, ये dx है तो जब dx इधर ले जाएंगे अपॉन में x आ जाएगा, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन में कितना आ जाएगा x आ जाएगा, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, v sin v माइनस cos v अपॉन में v cos v, बोलो क्लियर है इतना, इतनी बात समझ में आई,
डन है, आगे चले अब हम सॉल्व करें आगे इसको। तो जब आगे अब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, देखिए कितना सॉल्यूशन निकलता है इसका, ठीक। अब यहाँ क्या करें, इस फंक्शन में हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, इस फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब अलग अलग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे अलग अलग, अब जो दिख रहा है ये हमारे पास 2 है, तो 2 को भी क्या करें उधर ले लें, तो 2 को उधर ले जाएं, देखिए ये 2 वाला है तो 2 को उधर ले जाइए, जिससे क्या हो थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो यहां पे 2 dx अपॉन में कितना हो जाएगा x, कौन सा 2, ये वाला, तो ये 2 कहां जाएगा, देखो dx अपॉन में x जाएगा ना। अब देखिए अब इन फंक्शन को क्या कर लें, अलग अलग कर लें, तो ये dv ऐसे लिखने दीजिए, v sin v अपॉन में v cos v, अलग अलग कर रहे हैं देखिए, माइनस cos v अपॉन में v cos v, बोलो यहाँ पे dv बराबर 2 dx अपॉन में x, cos v कैंसिल, sin अपॉन cos, v से v कैंसिल, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan v हो जाएगा, बोलो tan v, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन v बचा, 1 अपॉन v, और ये dv, और ये 2 dx अपॉन में कितना है x है, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा देंगे, एक लाइन देखिए यहीं पे कर रहे हैं, जब इंटीग्रेशन आप कराओगे तो इंटीग्रेशन tan v dv का मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन v, और ये dv माइनस का है, 1 अपॉन v और dv का भी मल्टीप्लाई किया, 2 कांस्टेंट टर्म है, dx अपॉन में कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। जो हमारे पास फंक्शन इतना निकल के आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, तो जब इतनी बात समझ में आ रही है क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को आगे थोड़ा और हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन करा दीजिए इसका, tan v dv, तो tan का जो इंटीग्रेशन आपको बताया गया था वो क्या बताया गया है, इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला था tan के फॉर्म में क्या बताया गया था, ध्यान से बताइए, जल्दी से रिवाइज करिए, क्या बताया गया था, माइनस log cos v बताया गया था ना, तो क्या हो जाता है, माइनस log mod cos x, x की जगह पे क्या रखा है यहां पे v, तो यहां पे क्या कर लिया, v कर लिया, log mod माइनस में होता माइनस, यहां पे 1 अपॉन x मतलब log mod v हो जाएगा, क्योंकि dx अपॉन में x है, log mod x हो जाता है, बराबर यहां पे 2 log mod x, इसका क्या हो जाएगा, 1 dx अपॉन में x log mod x, और प्लस क्या हो जाता है बोलो c, जहां c क्या होता है, समाकलन नियतांक हो जाएगा, बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं, क्लियर है यहां तक। अब चलिए आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, एक चीज बताएं, अगर माइनस यहां से हम बाहर ले लें, माइनस बाहर ले लें, तो क्या log cos v, और v की जगह पे क्या हम रख सकते हैं कुछ, देखो v की जगह पे बाद में भी चलिए रख ही देते हैं, v की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, चलिए बाद में रखते हैं, प्लस यहां पे log v, और बराबर कितना है बोलो 2 log mod x, प्लस कितना है c है, बोलो इतनी बात समझ नहीं। अब क्या करेंगे हम, माइनस वाला फंक्शन बाद में कर लेते हैं, या एक थ्योरम बना देते हैं, यहां पे थ्योरम भी हमारी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, कौन सी थ्योरम, ध्यान से देखिए, ये log m into n की क्या थ्योरम नहीं है, हमने आपको पढ़ाया था कि log m into n है, तो ये क्या हो जाता है, log m plus log क्या हो जाता है n, तो देखिए into m ये है, n ये है, तो माइनस log m into n, m की जगह पे बोलो क्या है cos v, n की जगह पे v, या v cos v लिख लें, बराबर ये देखिए ये जो थ्योरम बन रही, क्या ऐसे नहीं हो जाएगा, log m की पावर n जो थ्योरम होती है, तो ये n log m बन जाता है कि नहीं बोलो, तो ये 2 है तो ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो log mod x का स्क्वायर, और प्लस ये c हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो ये माइनस का उधर डिवाइड कर दो, जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएंगे माइनस के, तो log यहां पे cos v, v की जगह पे रखिए, v बराबर क्या निकाला हम लोगों ने, बोलो v बराबर क्या निकाला है, y बराबर v into x, तो v बराबर निकाला है y upon x, तो v की जगह पे पुट करिए y upon में x, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना होता है किस फॉर्म में, y upon में x, और यहां पे बराबर माइनस log mod x, ये माइनस का देखिए उधर ले जा रहे हैं ना, तो माइनस को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस, और फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा c, और यहां पे स्क्वायर लगा है, यहां पे क्या है माइनस का c, क्योंकि जब माइनस यहां से बाहर ले लोगे फिर डिवाइड कर दोगे माइनस से तो सिंबल आ जाएगा ये, बोलो इतनी बात समझ में। अब यहां पे क्या करिए, आप ध्यान से देखिए, ये प्लस का पार्ट है तो इधर आ जाएगा, सॉरी माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये लॉग यहां पे कॉस वाई अपॉन में एक्स,
यहाँ पे इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस कितना है लॉग मॉट एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का कितना है बोलो सी है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए जो कंडीशन ये बन के आएगी फिर वही कंडीशन बन के आ रही है, कौन सी हमारे पास बन के आएगी स्क्वायर के फॉर्म में जो दे रखा है फिर वही कंडीशन बन के आएगी। कैसे? यहाँ पे देखो ये जो लॉग दे रखा है ये तो एक्स जो लिखा है ये वाई अपॉन एक्स लिखा है, ये लॉग अगर उधर ले जाए, हमने आपको ये भी थ्योरम बताई कि लॉग एक्स बेस ई लिखा है बराबर एम लिखा है, तो क्या x का जब वैल्यू निकालते हैं तो e की पावर क्या हो जाता है m, तो log जब उधर ले जाएंगे तो ये देखो y अपॉन में x इंटू में है ना cos y अपॉन में x बोलो प्लस यहाँ पे log मॉट में कितना है एक्स स्क्वायर। पहले एक काम करें ये थ्योरम बन रही है, कौन सी थ्योरम log m इंटू एन वाली थ्योरम लगाइए, जब m इंटू एन की थ्योरम लगाएंगे तो log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n, तो प्लस में है तो इसको लिख लो log m इंटू एन, तो यहाँ पे क्या है y अपॉन में x, देखिए इंटू में था ना y अपॉन में x cos y अपॉन में x और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का c। अब ये log सिंपल बचा तो कौन से log x बेस c बराबर m है, तो x बराबर जब निकालेंगे तो e की पावर क्या हो जाता है m हो जाता है, तो यहाँ पे y अपॉन में x यहाँ पे cos y अपॉन में x इंटू कितना है एक्स स्क्वायर, तो e की पावर माइनस सी हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस सी हो जाएगा। अब ये हम रफ कर दे रहे हैं इधर, ठीक है e की पावर क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए आगे सॉल्व करेंगे, तो जब आगे सॉल्व करेंगे ये जो दिख रहा है आपको देखिए एक एक्स यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स यहाँ पे एक एक्स कैंसिल हो गया, ये देखिए एंगल है इसको नहीं कट करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स कैंसिल हो गया, तो वाई कॉस वाई अपॉन में एक्स ये क्या निकला वाई कॉस वाई अपॉन में एक्स इंटू कितना है बोलो एक्स है, अभी हमारे पास कितना है तो एक्स, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्योंकि एक्स इंटू वाई देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई कॉस वाई अपॉन में एक्स बराबर ई की पावर माइनस का सी, और हमने आपको बताया था कि e की पावर माइनस सी को हम क्या मान सकते हैं a मान सकते हैं, इंटीग्रेशन पिछली वीडियो में इसी में बताया था, तो एक्स वाई कॉस वाई अपॉन में x अदरवाइज यहीं पे आप छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर 100% मान्य होता है, इसमें कोई गलती नहीं होगा। क्या आंसर आ रहा है देखिए एक्स वाई कॉस वाई अपॉन में x बराबर a, यही आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिलेवेंट से, ये लॉन्ग क्वेश्चन देख के बच्चे छोड़ के भाग आते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, चीज़ों को समझना है पहले, ठीक है। जब देखिए क्वेश्चन हमको अंडरस्टूड है क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसी से ही लगेगा, कुछ अलग इसमें हमने सॉल्व नहीं किया, ठीक है, तो घबराइएगा मत क्वेश्चन को देख करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहा है एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन में एक्स बराबर जीरो दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए ये माइनस का है तो दे जाएगा प्लस में, और ये प्लस का है एक्स साइन वाई अपॉन में एक्स तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए पहले इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं सेपरेट करना सीखे ना, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स ये माइनस का वाई है उधर गया प्लस में हो गया, और ये प्लस का फंक्शन है तो उधर जाएगा माइनस में, तो एक्स साइन वाई अपॉन में कितना है एक्स दे रखा है। इतनी बात समझ में एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो जब एक्स से हम डिवाइड करेंगे तो ये डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स से डिवाइड करिए तो क्या ये वाई अपॉन में एक्स नहीं आ जाएगा, यहाँ पे एक्स साइन y अपॉन में x एंगल अपॉन में x x x भी क्या हो गया कैंसिल, देखिए जब डिवाइड करेंगे तो दोनों में आएगा ना, इसमें भी अपॉन में आएगा, तो देखिए ये dy अपॉन में कितना है हमारे पास dx, तो ये कितना आ गया y अपॉन में x, यहाँ पे कितना बचा साइन y अपॉन में x। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, इसके आगे तो कब कैसे सॉल्व करेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि y बराबर क्या रखते हैं v इंटू x, और इसका डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आता है डी वाई अपॉन में डी एक्स वी एक्स डी वी अपॉन में क्या होता है डी एक्स होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। अब जहां जहां वाई दिख रहा है तो वहां पे हम लोग क्या रखते हैं बोलो, जहां जहां वाई दिख रहा है क्या रखेंगे वाई अपॉन में एक्स, देखिए जब वाई बराबर वी इंटू एक्स रखोगे, जब वी इंटू एक्स रखोगे तो वी इंटू एक्स, या यहां पर वी निकाल ले डायरेक्ट तो जिससे क्या लाइन बच जाए, अगर वी बराबर निकालेंगे तो क्या y अपॉन में x नहीं आ जाएगा, देखो y अपॉन में x तो y अपॉन x की जगह पे हम डायरेक्ट रख सकते हैं, लाइन हमें नहीं बढ़ानी पड़ेगी, कितना हो जाएगा v माइनस यहां पे साइन v, बोलो यहां पे कितना हो जाएगा y अपॉन में x कितना है v, देखिए v बराबर निकालेंगे तो y अपॉन में x कितना हो जाएगा। अब यहां पे dy अपॉन में dx कितना है बोलो
वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स वी माइनस यहाँ पे साइन वी। बोलो इतनी बात सुन नहीं, बोथ साइड में प्लस का भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिख लीजिए यहाँ पे एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का साइन वी। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करिए, फंक्शन को सेपरेट कर लीजिए। हमने आपको बताया था कि डी वी, वी वाले फंक्शन वी पास जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन वी, यहाँ पे एक्स अपॉन में ले जाइए तो माइनस डी एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स, डी एक्स को वहां ले गए अपॉन में क्या आ गया एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, जो रिलेशन होता है साइन थीटा बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा है वन अपॉन कॉसेक थीटा, इसका रिलेशन पढ़ा है ना हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक वी, यहाँ पे डी वी और यहाँ पे क्या है डी एक्स अपॉन में एक्स। अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करने पर, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल ले लेंगे। बोलो बात समझ भाई, माइनस ऑलरेडी है, माइनस बाहर ले लेंगे तो डी एक्स अपॉन में कितना है एक्स हो गया। बोलो इतनी बात समझ भाई। और हमने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था जब इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे कि हमने बताया था कि जहां पे कॉसेक एक्स आ जाए तो वहां पे क्या फॉर्मूला होता था, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता था। क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता था। बोलो बात समझ आई कि नहीं, तो यहां पे रखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला जो होता था यही तो होता था। ध्यान से देखिए, इधर हमने आपको बताया था कॉसेक एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है डी एक्स, क्या होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यही तो बताया गया था। तो रखिए जा करके लॉग कॉसेक एक्स माइनस एक्स की जगह पे क्या है वी दे रखा है, एक्स की जगह पे वी, और माइनस कॉट एक्स, एक्स की जगह पे कितना है वी दे रखा है, माइनस लॉग मॉट एक्स, ये फॉर्मूला किसका होता है लॉग मॉट एक्स, और प्लस कितना है सी। इतनी बात समझ आई कि नहीं, बोलो यहां तक क्लियर है बात। अब यहां पर जब क्लियर है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एक चीज बताएं, ये प्लस माइनस का है तो इधर प्लस में नहीं आ जाएगा, बोलो, तो लॉग यहां पे कॉसेक वी माइनस कॉट वी प्लस यहां पे लॉग मॉट एक्स बराबर कितना है सी, ये माइनस का पार्ट है इधर तो लेकर आगे क्या हो गया प्लस। अब क्या आपको ये नहीं दिख रहा, लॉग एम माइनस प्लस लॉग एन, हमने आपको पढ़ाया है थ्योरम log m into n की, तो क्या होता है बोलो log m plus log n होता है कि नहीं, बताया था ना, तो रख दीजिए log m की जगह पे ये, n की जगह पे ये, तो log m into n, m की जगह पे क्या है बोलो cosec v minus cot v into x की जगह पे क्या रखेंगे x ही रखेंगे बराबर कितना है c। बोलो इतनी बात समझ नहीं, क्लियर है यहाँ पे। और एक थ्योरम हमने आपको बताई थी, कौन सी थ्योरम बताई थी, ध्यान से देखिए कौन सी थ्योरम बताई गई थी, कि अगर log यहाँ पे दे रखा है log x बेस ही बराबर m दे रखा है, जब x बराबर निकालेंगे तो क्या होता है e की पावर m हो जाता है। बोलो ये पावर में इसको ले लेगा कि नहीं, बोलो यहाँ पे cosec v माइनस cot v इंटू कितना है x, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर c हो जाएगा कि नहीं, बोलो e की पावर क्या ले लेंगे c ले लेंगे। अब cosec को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन, क्योंकि रिलेशन क्या होता है यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस एक्स, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, थीटा की जगह पे वी है तो क्या किया वी इंटू एक्स बराबर ए की पावर सी। एलसीएम क्या मिल जाएगा, देखो वन माइनस कॉस वी अपॉन में एलसीएम मिल गया साइन वी, बोलो बराबर इंटू कितना है एक्स बराबर ए की पावर सी दे रखा है। अब क्या करिए, जहां जहां आपको v दिख रहा है v की जगह पे वहां क्या हम रख सकते हैं, बोलो जहां जहां पे v दिख रहा है वहां पे क्या y अपॉन में x हम नहीं रख सकते हैं, बोलो रख सकते हैं कि नहीं, तो रख सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं y, क्या रखेंगे वहां पे y अपॉन x रखेंगे जहां जहां दिख रहा है, तो चलिए रखते हैं। ध्यान से देखिए, वन माइनस कॉस वी, वी की जगह पे क्या रख सकते हैं फिर बोलो, क्योंकि फंक्शन हमें y और x के टर्म में लाना है, तो v की जगह पे क्या रख सकते हैं y अपॉन x, तो यहां पे y अपॉन x अपॉन में कितना है साइन v की जगह पे क्या रखेंगे y अपॉन x बराबर e की पावर c, बोलो क्या रखेंगे e की पावर c रख देंगे। इतनी बात समझ में आई, इसको मल्टीप्लाई उधर करा दीजिए क्रॉस, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे दिख रहा है, देखो टेक्निकल टीम दिख रहा है इधर, ठीक है, वन माइनस cos y अपॉन x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा साइन y अपॉन x इंटू e की पावर c,
बोलो दे रखा है कि नहीं, इतना क्लियर है। अब जो e की पावर c है आप इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ दीजिए, अदरवाइज अगर आप और लिखना चाहें इसको तो क्या कर मान लें a या कुछ भी मान सकते हैं, डजंट मैटर, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वाला x उठा के लेते चलाइए यहाँ पे, ये क्या है x, ये वाला क्या है इंटू में x, तो यहाँ पे x को उठाते लेते चलाइए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक। अब ये e की पावर c है, आप e की पावर c देखिए कोई कांस्टेंट टर्म है, इसको चाहे आप a मान लीजिए, या पहले आप यहाँ पे a मानते हैं बाद में c के फॉर्म में ले आते हैं, डजंट मैटर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म में कुल मिला के आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ गया, x इंटू वन माइनस कॉस वाई अपॉन में x बराबर कितना है साइन वाई अपॉन में एक्स इंटू ए। तो देखिए ए हमने ले, हम यहाँ पे सी माना था कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे क्या माना सी कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे ए कांस्टेंट आ गया, अगर आप यहाँ पे ए मानेंगे तो क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, तो उससे मैटर नहीं करता है, ठीक, कांस्टेंट टर्म कुछ भी आप मान सकते हैं, डजंट मैटर। तो देखिए क्या आंसर यही आ रहा आपका, एक्स ब्रेकेट में वन माइनस कॉस वाई अपॉन में एक्स बराबर सी साइन वाई अपॉन में एक्स, और ये क्या हो गया C, या फिर यहाँ पे कहें A, हमने क्या बताया था A लिखो या C, अगर वहाँ पे हमने C माना है तो यहाँ पे A के फॉर्म में इसको कर लिया, ये अगर यहाँ पे आप A करोगे तो C के फॉर्म में, कांस्टेंट कुछ भी कर लीजिए, डजंट मैटर, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।